बकरवाला स्थित आनंद धाम आश्रम में 22वां प्रजापति सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन सुधांशु जी महाराज के मार्गदर्शक में किया गया, जिसे प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश ने आयोजित किया। कई जोड़ों की शादी इस समारोह में की गई। पिछले कई सालों से प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश सैकड़ों शादियां करवा चुकी है। सरस्वती पूजा के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदू रीति रिवाज के साथ सभी जोड़ों की शादी करवाई गई। इस दौरान अध्यक्ष राम सिंह खंडोदिया, मुख्य महासचिव राजेश कुमार वर्मा, प्रदीप चंद्र, जगवीर सिंह सहित संस्था के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, बहुत बड़ी आवश्यकता है इस समय कि हम लोग सभी इस बात के लिए पूरी कोशिश करें कि समाज में इस विषमता को दूर करना चाहिए। जो लोग शादी नहीं कर पाते, गरीब हैं या जिनके पास साधन नहीं है, उन सब लोगों को सामूहिक रूप से अगर विवाह कराया जाए और इस तरह से सहयोग किया जाए तो इससे समाज में बहुत उन्नति होगी, सामंजस्य आएगा और भेद मिटेंगे, क्योंकि जो भी लोग पीछे रह गए उन्हें आगे लाने की जिम्मेदारी समाज के लोगों की बहुत बड़ी है। और जो भी आज जिस भी रूप में समाज में अग्रणी है, उनकी कोशिश होनी चाहिए कि समाज में ऐसे पीछे रह गए लोगों को हम आगे लेकर आएँ। और इस तरह के विवाह कार्य सामूहिक रूप से जो किए जा रहे हैं, वो देखा जाए तो परमात्मा भी इससे प्रसन्न होते हैं, समाज में भी एक आदर्श उपस्थित होता है। ये कोई बात नहीं है कि गवर्नमेंट से हम सहयोग लें, देखा जाए तो एक एक व्यक्ति से मिलकर के ही राज बनता है। और जिस तरह से हम लोगों की हर बार ये कोशिश रहती है कि कम से कम 108 कन्याओं का विवाह तो इस तरह से किया ही जा सके, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं, कोई संख्या 108 की ज़रूरी नहीं है, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ये तो परमात्मा का आशीर्वाद है, महाराज श्री का आशीर्वाद है। आप नेक काम करेंगे तो मंदिर जरूर मिलेगी, कोई भी अड़चन आपको आएगी नहीं, आप कहीं भी जो दुल्हन दुल्हन के साथ है, जो माँ बाप है, जो सहयोग करता है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने, बच्चों को खाना खिलाकर और सभी जोड़ों के सामने हमने कन्याओं के वर वधु के लिए बच्चों ने जिन्होंने खाना नहीं खाया है खाना खा के जल्दी से फेरो नहीं देते हैं, इसमें दहेज का कोई नहीं है। ले जाओ ये दहेज, गुलाब वाली सभी बच्चों को ले जाओ, लेकिन जो गृहस्थी के लिए जरूरी है, कोई जैसे गैस सिलेंडर हो गया, देश में बढ़ती दहेज की लालच को खत्म करने के लिए इस सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से हुए इस कार्यक्रम में समाज को संदेश दिया गया, समाज जब एक साथ होगा तो देश में किसी भी गरीब की लड़की अविवाहित नहीं होगी। इस दौरान गणमान्य अतिथि को सम्मान दिया गया। प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश पूरे समाज से ही आह्वान करती है कि हमें अपने बच्चों का जो युवा है वो सामूहिक विवाह में कराना चाहिए। और युवा पीढ़ी से भी आह्वान करती है कि वो अपने अपने माँ बाप से कह दें कि अगर हमने शादी कर ली है तो सामूहिक विवाह करें। सामूहिक विवाह जो है वो आज के समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और सामूहिक विवाह के माध्यम से हम अपना पैसा जो है वो बचाते हैं और उस पैसे को हम दूसरे कार्यों में यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि उस पैसे को हम बच्चों की शिक्षा में खर्च कर सकते हैं, अपने बिजनेस में कर सकते हैं, ताकि हमारा परिवार और समाज जो है वो उन्नति करे और समाज में नाम रोशन कर सके। ये जो सामूहिक शादी है ये 22वां सामूहिक शादी कार्यक्रम के अंदर हुआ है, ये प्रजापति महासभा इस कार्यक्रम को करती है और इसका समाज में बहुत जबरदस्त संदेश जा रहा है, बहुत सराहनीय कार्य है और इससे दहेज के ऊपर बहुत कार्यक्रम कार्य इसके अंदर हो रहा है, इसलिए ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश का 22वां सामूहिक विवाह समारोह है। आज इसमें 15 जोड़ों ने भाग लिया है और इससे पहले अब तक हम 415 जोड़ों की शादी अब तक हम करवा चुके हैं। समारोह में शामिल लोगों ने प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश की प्रशंसा की। ब्यूरो रिपोर्ट, द दिल्ली टुडे न्यूज़।